हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। कल हमने लास्ट टॉपिक किया था आइगन वेक्टर्स का, इस बेस्ड कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स गिवन है और आइगन वेक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं। क्या थे आइगन वेक्टर? ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स इज सेट टू बी आइगन। ये नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो वेक्टर एक्स इज सेट टू बी आइगन वेक्टर इफ इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। लैम्डा इज अ आइगन रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो हमें निकालने हैं इसके आइगन वेक्टर। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको लैम्डा फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ से लैम्डा कैसे निकालते हैं? लैम्डा इज अ आइगन रूट्स। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी पॉलिनोमियल। या सिंपल सीधी निकाल लो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या बनेगी? ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई मीन्स यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस टू माइनस लैम्डा, दिस इज एज इट इज, एंड टू वन माइनस लैम्डा माइनस सिक्स माइनस और माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेंगी थ्री। थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये मैंने कल भी बताया था, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है लैम्डा की जो इक्वेशन है यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो उतने ही ऑर्डर की बनती है लैम्डा में। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी विच आर, सॉल्व कर लेना इसको एक्सपेंड करके। ठीक है, देन लैम्डा हमारे पास आ जाएगा माइनस फाइव माइनस थ्री एंड माइनस थ्री। फाइव इज अ पॉजिटिव, प्लस फाइव है। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यूज यानी कि ये हमारे पास आ गए आइगन रूट्स। कल जो लास्ट थ्योरम की थी हमने, जितने आइगन रूट्स होते हैं उतने ही हमारे पास आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्ड लैम्डा इक्वल टू फाइव। कैसे निकालेंगे? ये इक्वेशन दे रखी है आपके पास, इसको सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, लैम्डा हम क्या लेके चले? फर्स्ट लैम्डा इक्वल टू फाइव, देन इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बनेगी? फाइव एक्स। ठीक है, फाइव इंटू एक्स, इसको हम क्या कर लेते हैं लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, ए एक्स माइनस फाइव एक्स इक्वल टू ज़ीरो। एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो ए माइनस फाइव इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इज अ मैट्रिक्स, एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो एक्स जो आपके पास वेक्टर होता है, दिस इज द कॉलम वेक्टर ऑफ, इसको ले लेते हैं हम एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, बिकॉज थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर किया था आपके पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। ठीक है, तो कॉलम में तीन एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं ए माइनस फाइव इंटू आई। तो सबसे पहले हमने क्या किया? लैम्डा हम फाइव लेके चले हैं, लैम्डा की वैल्यू फाइव रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करो, ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं ए माइनस फाइव आई इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से ए की वैल्यू रखिए माइनस टू टू माइनस थ्री टू वन माइनस सिक्स माइनस वन माइनस टू एंड ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट इज अ माइनस फाइव इंटू आइडेंटिटी, क्या बनेगा? फाइव ज़ीरो 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 फाइव ज़ीरो 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 फाइव। हमने क्या किया? फाइव से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और कंप्लीट के बाहर जो आपके पास वेक्टर है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, एक्स की वैल्यू रख दी हमें और इक्वल टू ज़ीरो। माइनस करेंगे इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू माइनस टू माइनस फाइव माइनस सेवन, टू माइनस ज़ीरो इज अ टू माइनस थ्री, टू वन माइनस फाइव इज अ माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस वन माइनस टू माइनस फाइव और मल्टीप्लाई बाय एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इक्वल टू ज़ीरो को हम लिखेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ यहाँ से आपके पास दो मेथड है करने के।
फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हम आइगन वेक्टर लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए बता देती हूँ और नेक्स्ट मेथड लैम्डा इक्वल टू -3 के लिए बताएंगे, ठीक है। तो पहले मेथड तो से तो कैसे कर सकते हो कि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो एंड दिस कॉलम, ये आ जाएगा -7x1 +2x2 -3x3। नेक्स्ट इज सेकेंड रो एंड कॉलम, 2x1 -4x2 -6x2। नेक्स्ट वन इज -x1 -2x2 एंड -5x3 इक्वल टू 0, 0, 0, ठीक है। दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स, बिकॉज ये कंप्लीट हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर कितना है आपके पास, 3x1, दिस इज ऑल्सो 3x1, 3 रो है एंड कॉलम 1 है, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू दिस, यानी कि दिस इज इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी, इम्प्लाइज दैट -7x1 +2x2 -3x3 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, 2x1 -4x2 -6x3, 3 आएगा यहाँ पे, -6x3 इक्वल टू 0। एंड लास्ट इज x1, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, एंड x1 -2x2 -5x3 इक्वल टू 0, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से आपको x1 x2 x3 की वैल्यू चाहिए, 3 अननोन्स हैं एंड 3 ही आपके पास इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं x1 x2 x3 की, तो कोई किसी भी दो इक्वेशन को उठा के चलेंगे, ठीक है। फिर हम जैसे हम फर्स्ट और सेकंड ले लिया, सेकंड और थर्ड ले लिया, तो वहाँ से 2-2 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, चलो इसको कर ही लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से यहाँ से हम x1 को रिमूव कर लेते हैं, दोनों में x1 को रिमूव कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इज 2 से, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम 7 से कर लेंगे, एंड सेकंड इक्वेशन को 7 से कर लेंगे, एंड एडिंग दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, -14x1 प्लस, हम इसको 2 से कर रहे हैं, 4x2 -6x3 इक्वल टू 0, एंड नेक्स्ट इज 14x1 -4x2 7 से कर रहे हैं, 28 42 x3 इक्वल टू 0 प्लस, सॉरी ऐड ही करना है तो सिंपल काट देंगे हम इसको, -24x2 एंड -48 x3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी x2 और x3 भी इक्वेशन आ जाएगी, सेम टू सेम हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और x2 और x3 में इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। इसको आप कॉमन निकाल लीजिए, -24 कॉमन आ जाएगा, x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई फोर्थ। दोनों को सॉल्व करेंगे तो इस थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं पे कर रही हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई, इसे 4, दिस इज 10, और इसको कर देंगे हम ऐड, ठीक है। देन -8x2 -16x3 इक्वल टू 0, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, -8 कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ से आ जाएगी इक्वेशन आपके पास, x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, फिफ्थ इक्वेशन। दोनों ही इक्वेशन से हमने सॉल्व किया और हमारे पास वैल्यू जो आपके पास इक्वेशन आ रही है वो सेम आ रही है। तो यहाँ से हम एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, x2 की वैल्यू आ गई -2x3, ठीक है। ऐसे ही किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके x3 में हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें वैल्यू रख लेते हैं हम, x1 की वैल्यू x3 में ले आते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा -7x1, दिस इज पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो -7x1 +2x2, x2 की वैल्यू रख रहे हैं, -4x3 हो जाएगा, x2 की प्लेस पे हमने पुट किया है -2x3, ठीक है, एंड -3x3 हमारे पास इक्वेशन में है, दिस इज इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू निकाल लेंगे x3 में, -7x1 राइट साइड पे लेके जाएंगे इसको,
7 पॉजिटिव हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, x1 इक्वल टू माइनस x3, ठीक है। तो x2 की वैल्यू भी x3 में निकाल ली हमने, x1 की वैल्यू भी x3 में फाइंड आउट कर ली, तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं कि x3 जो है वो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। देर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, तो x3 हमने ले लिया k, x1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस k, एंड x2 इज माइनस 2k, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपके पास x1, x1 की वैल्यू, x2 एंड x3, और हमें क्या फाइंड आउट करना था, वेक्टर x फाइंड आउट करना था। x वेक्टर हम क्या लेके चले यहाँ से, x वेक्टर था हमारे पास, यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा, x वेक्टर इज इक्वल टू x1, x2, x3, ये था, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x1 की वैल्यू वहाँ से रखो, देखो क्या आ रही है, x1 की वैल्यू माइनस k1, माइनस k1, x2 की वैल्यू, x2 इज अ माइनस 2k, अच्छा k ही है, k1 नहीं है, k ही अज्यूम कर रखा है, x1 इज अ कॉमा था ये माइनस 2k, और x3 को हमने k अज्यूम किया ही है, k कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1, माइनस 2 एंड 1। दिस इज द आइगन वेक्टर वेयर k नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब हमारे पास करैक्टरिस्टिक रूट लैम्डा इक्वल टू 5 हमने लिया, ठीक है, देन सॉल्व किया हमारे पास, तो ये आ जाएगा करैक्टरिस्टिक वेक्टर। अब हम फाइंड आउट करेंगे आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्ड टू लैम्डा इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। अब ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स था, किसके कॉरस्पॉन्ड निकाल रहे हैं, माइनस 3 के, तो हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट लैम्डा इक्वल टू माइनस 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, या फिर इसको अभी ऐसे ही रखो, इसको सॉल्व कर लो पहले, ए इसको इधर लेके आएंगे, माइनस लैम्डा आई इन टू एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू कहाँ है हमारे पास, a माइनस लैम्डा आई, दिस इज ये मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू माइनस 3 रख लेते हैं और a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ये ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट नहीं लेना, हमें ये मैट्रिक्स बनानी है, समझ गए। तो a माइनस लैम्डा आई हमने यहाँ निकाल ही रखा है, तो यहाँ पुट कर देंगे हम इसको, a माइनस लैम्डा आई पुट लैम्डा इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ले रखी है, ठीक है, माइनस 3, लैम्डा इक्वल टू माइनस 3 के अलावा हम जो निकालेंगे करेक्टरिस्टिक वेक्टर, क्या रिजल्ट आएगा भाई, 3 रखिए यहाँ पे, माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 2 प्लस 3, दिस इज अ 1, 2 माइनस 3, नेक्स्ट इज अ 2, हमने यहाँ पे माइनस 3 रखा, 4 माइनस 6, माइनस 1, माइनस 2 एंड 3, प्लस का हो जाएगा, एंड x वेक्टर क्या है आपके पास, ये x है, x इज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इक्वल टू 0 को हम रखेंगे 0 मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, या तो हमने जैसे पीछे हमने किया था लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए किया था सॉल्व, इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो सिंपल, या फिर आप इसका रैंक फाइंड आउट कर सकते हो, इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कीजिए, ऑपरेशन अप्लाई करने आपको, दिस इज अ मैट्रिक्स, यहाँ पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, आर टू आर वन माइनस आर टू माइनस टू आर वन, ठीक है, इस मैट्रिक्स पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंड एक ऑपरेशन और लगा लीजिए, आर थ्री प्लस आर वन, दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास 0-0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी मैट्रिक्स, 1, 2, -3, फर्स्ट रो इज एज इट इज़, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर रहे हैं हम, आर टू माइनस टू आर वन, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, देन वी गेट 0, दिस ऑपरेशन इज ऑल्सो ऐड कर रहे हैं यहाँ पे हम, देन विच इज़ ऑल्सो 0, 0, 0, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड 0, 0, 0, ठीक है। ये ऑपरेशन सिर्फ ए इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करने हैं आपको, ए माइनस लैम्डा आई पे, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हमने क्या ली है, माइनस 3, 5 के अलोंग हम निकाल चुके हैं, माइनस 3 के अलोंग निकाल रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, बाकी तो कोई नॉन जीरो बना नहीं सकते हम, ठीक है, तो बाकी जीरो बनाएंगे तो सारे जो आपके पास नॉन जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रैंक
ऑफ दिस मैट्रिक्स कितना आ रहा है? वन। दो नो आपके पास जीरो रोज आ रही है, नॉन जीरो रो कितनी है? एक नॉन जीरो रो है। जितनी नॉन जीरो रो होती है उतना ही मैट्रिक्स का रैंक होता है, ठीक है। अननोन कितने हैं? जो अननोन नंबर है x1, x2, x3, देयर आर थ्री अननोन्स। एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज वन, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है वन, ठीक है। तो जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बनेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने हम बनाएंगे यहाँ से, क्या कितने आएंगे, कैसे निकालेंगे? देर आर इन्फानेट मैन। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम रैंक फाइंड आउट कर रहे हैं मैट्रिक्स का और यहाँ पे आपके पास रैंक आ जाता है जितने अननोन है उससे लेस, तो इन्फानेट मैनी सोल्यूशंस आएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे रैंक इक्वल आ जाता है, मीन्स थ्री रैंक आ रहा है इसका, थ्री जो नॉन जीरो रोज है और थ्री ही अननोन्स है, ठीक है। तो इसके जो आपके पास सिंपल आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, यानी दिस मल्टीप्लाई बाय एक्स वन इक्वल टू जीरो, दिस मल्टीप्लाई बाय एक्स टू इक्वल टू जीरो, एंड थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय एक्स थ्री इक्वल टू जीरो। ये कब होगा? जब रैंक थ्री आ जाएगा मैट्रिक्स का और थ्री ही अननोन होंगे, ठीक है। कंडीशन हमारे पास क्या आई है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज वन, दिस इज लेस देन थ्री, अननोन इज थ्री, ठीक है। तो देर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बिकॉज जो रैंक है वो लेस है अननोन से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है तो किसी ना किसी एक की तो हमें वैल्यू माननी पड़ेगी। जैसे मान लो कि एक्स थ्री की वैल्यू हमने k मान लिया, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट करना है कि हमें एक्स वन की माननी है, एक्स टू की भी लेनी है, एक्स थ्री की भी लेनी है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जितने अननोन्स हैं उसमें से रैंक माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा टू, यानी कि यहाँ से आपके पास टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हो गए, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। आपको दो अज्यूम करके चलने पड़ेंगे यहाँ से कॉन्स्टेंट, समझ गए। अगर इसका रैंक आता टू, इस मैट्रिक्स का रैंक अगर हमारे पास टू आ जाता ए माइनस लैम्डा आई, देन अननोन कितने हैं? थ्री, लेस देन थ्री हो गया, फिर से इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशंस आ जाते। और यहाँ से हम कैसे पता करते? थ्री में से टू माइनस कर लेते वन, यानी कि हमें सिर्फ एक तीनों में से किसी एक को मान के चलना पड़ता के, ठीक है। एक को हम k मान लेते और फिर x2 और x1 की वैल्यू हम k में निकाल लेते, समझ गए। तो यहाँ से हमारे पास दो अननोन हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहिए क्योंकि हमारे पास तीन अननोन है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, x2 को ले लेते हैं k1 एंड x3 को ले लेते हैं k2। यहाँ पे आपको दो को मानना पड़ेगा जबकि बाद x की जो वैल्यूज़ हैं x1, x2, x3 इस मैट्रिक्स की, इसके साथ तो क्या आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 इक्वल टू जीरो, समझ गए। ये मेथड है आपका रैंक फाइंड आउट करके, या फिर आप पीछे वाले की तरह आप सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए और तीन इक्वेशन आएंगी वहाँ से आप कॉन्स्टेंट निकाल लीजिए, कैसे भी कर सकते हो। x2 और x3 की वैल्यू हम लेके चले हैं तो यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस 2k1 माइनस 3k3 इक्वल टू जीरो, k2 x1 की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से माइनस टू के वन प्लस थ्री के टू, ठीक है। तो वेक्टर क्या था, क्या था हमारे पास, एक्स वेक्टर इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स वन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से माइनस टू के वन प्लस थ्री के टू, एक्स टू की वैल्यू, एक्स टू की हम अज्यूम करके चले थे एक्स टू इज़ अ के वन और एक्स थ्री इज़ अ के टू। This is the vector x correspond to lambda equal to minus 3. यहाँ पे आप condition लिखोगे where k1 and k2 not equal to 0. तो ये आपके पास आए हैं आइगन वैक्टर। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, या तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करके निकाल सकते हो या फिर सिंपल मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी सो दैट 10 माइनस 1 एंड 01 माइनस 1 आर द आइगन वैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस, ठीक है। क्या निकालना है, मैट्रिक्स में ए बी सी जो नंबर्स हैं कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है, आइगन वैक्टर दे रखे हैं हमें, दो आइगन वैक्टर, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स दे रखी है इसका हम नेम ले लेते हैं, लेट मैट्रिक्स ए, इसको हमने ए मैट्रिक्स ले लिया एंड वैक्टर्स जो गिवन है हमारे पास दीज आर द आइगन वैक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक वैक्टर्स जो होते हैं। तो ये हम ले लेते हैं लेट
फर्स्ट इज एक्स वन अज्यूम कर लेते हैं एंड एक्स टू ले लेते हैं सेकेंड को 0, 1, -1. दीज आर द आइगन वैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. अब आइगन वैक्टर है तो किसी न किसी आइगन जो रूट्स है उसके कॉरस्पॉन्ड होंगे, ठीक है. तो यहाँ से हम अज्यूम कर लेते हैं कि दीज आर द, ये हमें गिवन है x1 x2 दो आइगन वैक्टर गिवन है, ठीक है. कॉरस्पॉन्ड्स आइगन रूट्स, किसी न किसी आइगन रूट से कॉरस्पॉन्ड होंगे, तो वो हमने ले लिया लैम्डा वन एंड लैम्डा, ठीक है. अगर आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्ड लैम्डा वन लैम्डा टू के हैं मैट्रिक्स ए के, तो नेक्स्ट अब क्या आएगा, ये सेटिस्फाई करेगा ए एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बनाते थे हम, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है. तो यहाँ से हमने क्या किया, इसके कॉरस्पॉन्ड आइगन वेक्टर लिया लैम्डा वन और एक्स टू के कॉरस्पॉन्ड लिया लैम्डा टू, तो इक्वेशन में क्या बनेगी, ए एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा एक्स वन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड एक्स टू का जो जो आपके पास है आइगन वेक्टर, ये किसके कॉरस्पॉन्ड है, लैम्डा टू के, तो ए एक्स टू इज इक्वल टू लैम्डा टू एक्स टू, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है. हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दो और सॉल्व कर लेंगे. देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू रखेंगे हम, ए इज ए 2, 1, 1, ए 3, 2 एंड 3, b, c, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स वन वैक्टर, एक्स वन इज अ 1, 0, -1 और इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा वन, लैम्डा वन हम इसके ये एज्यूम करके चले करेक्टरिस्टिक रूट और एक्स वन की वैल्यू दिस 1, 0, -1, ठीक है. यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेट कर लेंगे, वहाँ से ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी. चलिए देखिए कैसे करना है, मल्टीप्लाई बाय दिस, देन वी गेट दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 2, 2 × 1 इज अ 2, 1 × 0 इज अ 0 और 1 × -1 -1, ठीक है. नेक्स्ट इज ए 0 − 2, ए माइनस 2 एंड थर्ड इज अ 3, सेकेंड वाला 0 हो जाएगा और माइनस सी, 3 − c इक्वल टू, इसको लैम्डा से 1 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, लैम्डा 1 0 एंड माइनस लैम्डा 1, ठीक है. दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, इक्वेट कर सकते हैं. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 की वैल्यू 2 − 1 इज अ 1, 1 इक्वल टू लैम्डा 1, लैम्डा 1 की वैल्यू मिल गई हमें, ए माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 3 − c इक्वल टू माइनस लैम्डा 1, ठीक है. अब देखिए यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू है, ए की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, इसमें लैम्डा 1 की वैल्यू रखिए, 3 − c इज इक्वल टू −1, ठीक है. तो सी आ जाएगा 3 + 1 इज अ 4, ए की मिल गई, सी की मिल गई, किसकी बची, बी की वैल्यू आपके पास रिमेनिंग है, तो हम सेकेंड इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे. सेम टू सेम ए इंटू एक्स टू, अब की बार आपको इसका यूज़ करना है, एक्स टू रखेंगे, लैम्डा टू ऐसे ही मल्टीप्लाई रखोगे एज इट इज़, एक्स टू की वैल्यू रखेंगे और फिर इसकी मल्टीप्लाई करके इक्वेट करेंगे, वहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी बी की, ठीक है. तो इसको खुद ट्राई कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 0 इज ए लेटेंट रूट ऑफ मैट्रिक्स. लेटेंट रूट क्या होता है, आइगन रूट, आइगन वैल्यू जो होती है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट, ठीक है. लेटेंट रूट ऑफ ए मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए इज ए सिंगुलर. अगर 0 आइगन वेक्टर है, लेटेंट रूट है मैट्रिक्स का, तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर प्रूव करनी है, और अगर ए मैट्रिक्स सिंगुलर है तो 0 को लेटेंट रूट प्रूव करना है, ठीक है. तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं नेसेसरी कंडीशन, लेट 0 इज लेटेंट रूट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ठीक है. अगर 0 इसका लेटेंट रूट है, दैट मीन्स 0 सेटिस्फाइज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए. अगर 0 कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो ए मैट्रिक्स का, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 0 सेटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, ठीक है. देन अगर 0 इसको यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी,
ज़ीरो, बिकॉज हम लैम्डा क्या लेके चलते हैं, लेटेंट रूट। लैम्डा क्या होता है, लेटेंट रूट होता है, और हमने कहा कि जीरो हमारा लेटेंट रूट है। जीरो अगर लेटेंट रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे जीरो पुट कर सकते हैं। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है देन ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ सफिशियंट कंडीशन देखते हैं। सफिशियंट कंडीशन, लेट ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल टू, ए में से जीरो माइनस करेंगे ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन माइनस जीरो इंटू, यहाँ पे हमें आई लगा सकते हैं, यहाँ पे जीरो इंटू आई दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो ही रहेगा और डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हम लेके चले हैं। ठीक है, नाउ अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, दिस इज लैम्डा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस इज लेटेंट रूट। कैसे आया अभी लेटेंट रूट ऑफ मैट्रिक्स ए, बिकॉज जीरो सेटिस्फाइज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, क्योंकि जीरो जो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स जीरो इसका लेटेंट रूट होगा, और ये आपको प्रूव करना था इन द सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, तो इसको आप आज यहीं तक कवर करते हैं, इसकी एक्सरसाइज आप आराम से ट्राई कर सकते हो, सारे कंसेप्ट आपके लगभग क्लियर हो गए हैं। लास्ट एक एग्जाम्पल रहता है, थ्योरम ये लगा लो उसको, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और इसके जो 3.1 एक्सरसाइज है, इसके जितने भी क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे हो, किसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम उसमें आप टेलीग्राम के चैनल बना रखा है, आप उस पर पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप इसको ट्राई कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।